और यहाँ ना दोस्तों इतने गंदे काम कर रहे हैं, कितने शर्मनाक काम कर रखे हैं कि क्या ही बताऊं। और यहाँ से ना दोस्तों पूरी स्कूल शुरू होती है। और यहाँ अबे ये लोग ना दोस्तों आसपास के लोग हैं, और अगर ये वीडियो देख रहा होगा ना वो, तो धरती पे बोझ है। सही बताऊं तो ये धरती पे बोझ है। बाकी अभी दोस्तों मुझे यहाँ से ठीक जाना है, ठीक वहाँ भाई। लग रही है तो चल ना फिर, रोज का वो है हमारा, रोज जाते हैं हम। रोज जाते हो तो क्यों लग रही तेरे को इतनी थकान? क्यों नहीं उठ रही है? थकान को किसको लग रही है? तो क्यों बैठ रहा है? ये शाबाश बोटी, शाबाश। सब ऐसे देखो ना, सर दिमाग घूमता है, पर क्या करें यार, पता कैसे चलेगा। तो इसमें ना बदनामी स्कूल की नहीं है, पूरे क्षेत्र की बदनामी है ये, पूरे क्षेत्र की। इतनी गंदे काम दोस्तों ना। तो चलिए जी दोस्तों, एक नया दिन शुरू हो चुका है और एक नए दिन के साथ करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी करीबन दोस्तों सुबह के 9 बजे का टाइम हो चुका है, और अभी जा रहे हैं हम यहाँ से सीधा भरोली खाल। तो आज वहाँ काम है थोड़ा, तो वो निपटा के आने हैं। और एक चीज़ वहाँ के बारे में, एक शर्मनाक बात भी पता चली है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। कल नवरात्र चल रहे हैं, तो देखो कन्याएं भी पहुँच गई है। तो सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आन भी बनी है कन्या। अरे वाह, ये देखो भाई, छोटी छोटी कन्या। हाय गाइस। और जब भी आप दोस्तों इतनी खतरनाक धूप में कहीं जाओ तो कैंडी वगैरह जरूर खाओ। तो ये बंदा देखो भाई, जैसे मैंने जेब से निकाली ना, सीधा लूटने के लिए तैयार भाई। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, और इसको इतनी थकान लग रही है, यहाँ पे भी बैठ गया। सूजी लग रही है। तो चल ना फिर, रोज का वो है हमारा, रोज जाते हैं हम। रोज जाते हो तो क्यों लग रही तेरे को इतनी थकान? क्यों नहीं उठ रही है? थकान को किसको लग रही है? क्यों बैठ रहा है तो क्यों बैठ रहा है? तूने कहा यहाँ पे बैठ रहे, क्यों नहीं चल रहा फिर सोने के लिए? किसने बोला? चल धूप के लिए। धूप लग रही है, मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए? अरे मतलब ऐसे छाया, चलते चलते। ये देखो दोस्तों, इस उम्र में ये हाल है, इस जवानी में। पहाड़ी बंदा नहीं, पहाड़ी बंदा नहीं है तो। ना दोस्तों संडे भी है, और आज तो बैंक बंद रहता है, बट हमारा काम एटीएम में है। तो देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि एटीएम में पता नहीं है भाई वहाँ कैश होगा नहीं होगा। पर देखते हैं, जा रहे हैं घूम घाम के आ जाएंगे, तो देखते हैं। अभी तक मेरे साथ मेरा भाई चल रहा था, अब पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई तू? कौन है तू? मैं हूँ। कौन है? लुटेरा। लुटेरा यहाँ देखो अबे ये इंसान पागल है, ये पागल इंसान है दोस्तों। पूरी दुनिया कहती है और मैं भी कहता हूँ कि तू पागल है, फिर वही हाथ मत डाल जेब में। हेलो भाई दोस्तों, आ चुके हैं ठीक केंद्रा बैंक में, और ये रहा भाई अपना केंद्रा बैंक। तो हमारा काम तो दोस्तों एटीएम में है, तो करवाते हैं एटीएम का काम, और देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है। तो चलो भाई दोस्तों, अपने काम तो हो चुके हैं, और अभी आ गए हम अपने भरोली खाल स्कूल में। तो ये है भाई अपनी भरोली खाल स्कूल, और यहाँ ना दोस्तों इतने गंदे काम कर रहे हैं, कितने शर्मनाक काम कर रखे हैं कि क्या ही बताऊं। और यहाँ से ना दोस्तों पूरी स्कूल शुरू होती है, और यहाँ अंदर इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं कि क्या ही बताऊं। कुछ कुछ बातें आपको पढ़ाता हूँ, और बाकी तो इतनी शर्मनाक बातें हैं कि क्या ही बताऊं। भाई साहब मैं आपको दोस्तों वो चीज़ दिखा भी नहीं सकता, इतने गंदे काम यहाँ हो रखे हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा दिखाता हूँ, वो इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिखी है ना, कि मतलब पढ़ना उसको मेरा वो भी बेकार है भाई। और यहाँ पे ना दोस्तों फूलों के लिए गमले वगैरह थे, वो सारे के सारे तोड़ के नीचे फेंक रखे हैं। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह लग रखा था, तो डस्टबिन वगैरह भी सारे नीचे फेंक रखे हैं। तो ऐसे काम दोस्तों स्कूल में हो रखे हैं, और हमारे शिक्षा का मंदिर है बल, और ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं यहाँ के क्षेत्र के लोग। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को शर्म नहीं है, क्योंकि ये आसपास के किसी ने कर रखा है। और अगर ये वो वीडियो ये देख रहा होगा ना, तो उसको भी खुद चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तो चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूब मरेगा वो, चुल्लू भर से भी कुछ अगर गंदा होगा ना तो उसमें मर जा भाई, इतने गंदे काम कर रखे भाई। यहाँ देखो भाई, यहाँ कितने प्रवचन लिख रखे हैं भाई, ये स्कूल के नाम पे एक डब्बा है, ऐसे ऐसे प्रवचन यहाँ लिखे हैं। कुछ प्रवचन तो ऐसे लिखे हैं ना, मैं पढ़ा भी नहीं सकता, कैमरा भी नहीं कर रहा उधर, इतने गंदे गंदे वचन लिखे हैं यहाँ भाई। और मतलब ना दोस्तों स्कूल को स्कूल नहीं रहने दिया है इन लोगों ने, और इससे ना बदनामी दोस्तों पूरे क्षेत्र की बदनामी होती है। एक बंदे की बदनामी नहीं है, स्कूल की बदनामी नहीं है, पूरे क्षेत्र की बदनामी है। तो ये सेतुकाल पूरा हमारा जो क्षेत्र है, ये दोस्तों ना यहाँ पे 4-5 ग्राम स्वभाव से लड़के पढ़ने आते हैं, हमने भी दोस्तों यहीं पढ़ा है, बट ऐसे शर्मनाक काम दोस्तों आज तक नहीं हुए, बट ये एक शर्मनाक काम अब जाके हो रहा है। तो ये क्षेत्र ना दोस्तों इतना गंदा हो चुका है कि क्या ही बताऊँ। इसमें ना बदनामी स्कूल की नहीं है, पूरे क्षेत्र की बदनामी है ये, पूरे क्षेत्र की। इतनी गंदे काम दोस्तों ना, सोच मतलब इतनी घटिया सोच किसकी कैसे हो सकती है भाई, इतनी घटिया सोच भाई इन लोगों की, यही बताऊँ। और ये लोग ना दोस्तों आसपास के लोग हैं,
और अगर ये वीडियो देख रहा होगा ना, वो धरती पे बोझ है, सही बताऊं तो ये धरती पे बोझ है जिससे ये काम कर रहे हैं। पहले ना हमारे टाइम पे इतनी अच्छी स्कूल ये थी भी नहीं, आप देखो कितना अच्छा पेंट हो चुका है और कितने अच्छे मतलब स्कूल को इतना अच्छा बना दिया है, फूल वगैरह लगे, इतनी चीज़ें यहाँ हो चुकी है ना, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। अगर मैं डिटेल में आपको चीज़ें बताने पर आया ना तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बढ़िया हो चुकी है। बट ना क्षेत्र के जो ये गंदे दो चार जो समाज में असामाजिक तत्व क्या है ना, उन्होंने भाई स्कूल को स्कूल नहीं रहने दिया है, उन्होंने भाई स्कूल की रेड पेट दिया भाई, सच बताऊं तो चलो छोड़ो दोस्तों, वीडियो बनाने से तो होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई जिसने लिखना था उसने लिख दिए और पकड़ा भी हो जाएगा नहीं, क्योंकि भाई किसको बोल सकते हैं भाई कि इसने किया उसने किया। बट यहाँ से भी ना सारा नुकसान कर रखा है, सब कुछ तोड़ रखा है भाई, और ये लड़के भी भाई यहीं पढ़ते हैं, ऐसे हाल है भाई इस क्षेत्र के, तो क्या ही बता सकते हैं इस क्षेत्र के बारे में भी। बाकी छोड़ो वीडियो बनाने से दोस्तों होगा कुछ नहीं। दोस्तों स्कूल की टंकी है और इस टंकी से स्कूल के बच्चे पानी पीते हैं, और उसके ऊपर से ना दोस्तों तो छत तोड़ के देखो इधर फेंक रखी है, यहाँ से देखो नीचे फेंक रखी है, तो ऐसे काम यहाँ कर रखे हैं भाई इस क्षेत्र में। तो ना दोस्तों जितने गंदे काम हुए हैं बट इन्होंने स्कूल को भी नहीं छोड़ा, अब स्कूल को भी करने हैं भाई। क्षेत्र में जिसकी चोरियाँ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, वो तो चलो छोड़ो उसमें मैं कुछ नहीं बोला, बट आज स्कूल का भी ये हाल कर दिया भाई, तो ये हाल अब यहाँ के भी हो चुके हैं, तो कितनी शर्मनाक बात है भाई ये, खुद ही बताओ। अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है किसी चीज़ के लिए और उसको ये रिजल्ट मिले बाद में तो क्या करेगा फिर भाई साहब, ऐसे देखो ना सर दिमाग घूमता है, पर क्या करें यार, पता कैसे चलेगा। और मुझे तो ये भी पता है कि किसी ने तो देखा ही होगा बट वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसी के कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा उसमें, तो बताएंगे भी नहीं ना। दोस्तों कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि कल डांडाकिल में शादी थी, हम गए थे सतबीर भाई के छोटे बहन की, हमारे दोस्त की बहन की शादी थी, देखो बारात भी आ चुकी है, और अभी तो हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें भी घर पे काम है, बहुत सारे काम है, नहीं तो मैं आपको बारात भी दिखाता, बट घर पे काम होने के कारण चल रहे हैं भाई। छोटो दोस्तों इतने गंदे काम नहीं होने चाहिए थे, बहुत बुरा लग रहा है भाई, बहुत बुरा, कहीं क्या ही बताऊं। और ये चीज़ देख के ना दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस चीज़ में ना पूरे क्षेत्र की बदनामी होती है, और मंदिर को ना मंदिर नहीं रहने दिया है। मूड तो खराब हो ही गया है, बट बैंड की आवाज़ सुन रहा हूँ ना तो भाई मन कर रहा है कि नाचने चले जाए, क्यों मन हो रहा है ना, चलो भैंस की टांग। पर घर पे काम नहीं होता ना, मतलब घर जाने का नहीं सीन नहीं होता ना, तो सच में चले जाने का, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम इनवाइट नहीं है भाई। और सतबीर भाई ये वीडियो देखेगा, सतबीर भाई बोलेगा कि भाई तू आया नहीं है, वो सो गाली पक्का पड़ेगी, यहाँ आके भी तू नहीं आया, और सॉरी यार सतबीर भाई घर पे काम है इसलिए जा रहे हैं, बाकी चल कोई नहीं, सॉरी यार, तेरी शादी में धमाल करेंगे, कोई बात नहीं, जब तेरी शादी होगी ना तब तेरी शादी में करेंगे धमाल, उसमें तो हम भाई मतलब 5 दिन में वहीं रहूंगा, ये समझ तो कि तेरी शादी के 4-5 दिन बाद भी मैं वहीं रहूंगा यार तेरे साथ, तो टेंशन मत ले। तो आजकल तो दोस्तों बिल्कुल शादियों का ही सीजन चल रहा है, और आज हमारे गांव में भी है, तो अभी कीर्तन वगैरह होंगे, पर उससे पहले मैं तो जा रहा हूँ अपने वर्क पे, और हमारा वर्क क्या है आजकल आपको पता ही है, तो वहीं जा रहा हूँ पहले, तो चलो। बाकी अभी दोस्तों मुझे यहाँ से ठीक जाना है, ठीक वहाँ भाई, ठीक इस जगह पे, तो चलो निकलते हैं। तो भाई दोस्तों इतना घास है और इतना घास लगाना है ठीक इस वाले पेड़ पे, और कहाँ से लगाना है ठीक यहाँ से लगाना है, और इतनी ऊपर तक भाई साहब, यहाँ देखो भाई डल क्या, ये देखो देख रहे हो ये बंदर होता ना, बंदर एक दिन में चढ़ जाता है, वैसी मेरी माँ भी पेड़ में चढ़ने के लिए उस्ताद है भाई, उस्ताद है। तो चलो भाई दोस्तों खूम तो लग चुकी है, और यहाँ से देखो भाई यहाँ इतनी सारी खूम है हमारे गांव वालों की, सबसे ज़्यादा खूम है दोस्तों यहीं लगी है हमारे गांव वालों की, देखो यहाँ से देखो पूरी खूमे ऊपर नीचे जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ खूमे हैं। बाकी नीचे से एक दादी भी लेके चली गई अपना घास, तो आजकल यही काम चल रहा है सब जगह। चलो रस्सा भी आ चुका है नीचे, तो चलो मम्मी आ जाओ नीचे, तो चलो आजा माँ आजा आजा, तो चलो भाई दोस्तों हम तो निकलते हैं, माँ तो बाद में आएगी क्योंकि माँ को दूसरे खेत में जाना है और वहाँ पूले वगैरह बांधने हैं, तो हम निकलते हैं तब तक। बाकी अभी चल रहे हैं दोस्तों गांव में ठीक कीर्तन, ठीक इस वाली जगह पे, ठीक यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे सारे गाँव के लोग आ रखे हैं, और उनका ही घर है ये जहाँ पे शादी है, तो करीना की शादी है तो करीना का घर ठीक यहीं पे है, तो यहाँ पे अभी कीर्तन चल रहे हैं। बाकी चलते हैं हम भी और देखते हैं क्या माहौल बन रहा है, बाकी गांव की ब्यूटी कुछ ऐसी यहां से। तो चलिए जी हम तो पहुंच चुके हैं ठीक गांव में, और आपको दिखाते हैं आप कुछ कीर्तनों की झलकियां, मेला संगीत। तो हम यहां पहुंचे और ये चुप हो गए भाई, तो गाओ यार जल्दी जल्दी गाओ।
चलो भाई कीर्तन वगैरह तो होते रहेंगे, इसके बाद प्रसाद वगैरह बैठेगा। और इस बंदे की पोल खुल गई आज, इसको ऊपर सटेल दिया आज। दादाजी आप अकेले अकेले क्यों बैठे हो? क्या हो गया, दादी ने कूट दिया क्या आज? बोर्डिंग पिज्जा वाला आज। चलो भाई दोस्तों अपन ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं और अब फिर से जा रहे हैं ऊपर। तो आज फिर से सामान आ रहा है शादी का, यानी राशन पानी वगैरह, तो उसको ही लेने जा रहे हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं, पहले राशन वगैरह लेके आते हैं। तो चलो भाई दोस्तों राशन वगैरह भी आ चुके हैं और मस्त लेके आ गए घर पे। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे आपको एक नए और मजेदार और धमाकेदार वीडियो में। तो तब तक अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और चैनल पे पुराने हो तो वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आजकल चैनल बिल्कुल डाउन चल रहा है, तो शेयर करो, उसको अप भी करना है हमें। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।